ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण। हे नाथ, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में चार पदार्थ भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं। सुख शांति सहाय संबल समपद वेयर्ष ज्ञान बुद्धि बल वासगुरु आराम स्थल आत्मीय मित्र परिवार सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे इह काल हो और तुम ही पर काल हो। तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्ग धाम हो। शास्त्र विधि और कल्पत्रु गुरु भी तुम ही हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही स्वतास्तुता पालन करता और उपास्य हो। दृढ़ दत्त पिता स्नेहमयी माता और भाववर्ण के कर्णधार भी तुम ही हो। एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह उपाय है भक्ति। भक्ति तो के जाति नहीं है। भक्ति होने से ही देह मन आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर निताई हरिनाम देने लगे और चारण डाल तक सभी को गोद में लेने लगे। भक्ति न रहने पर ब्रह्मांड नहीं है। भक्ति रहने पर चांद डाल नहीं है। अस्पृष्ट जाति भक्ति के होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है। ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से घर घर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाने नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्यों को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए थे। दुनिया में हर आदमी के सामने समस्या है, सबकी अपनी अपनी उलझने है। पूर्ण संतुष्ट और सुखी व्यक्ति की रचना परमात्मा ने नहीं की है। जितना कुछ प्राप्त है उस पर आनंद मानने संतुष्ट रहने की और अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहने की नीति जिनने अपना ली है उनके लिए हंसते रहने के अगणित कारण अपने चारों ओर बिखरे दिखाई पड़ते हैं। बच्चों को आमतौर से उनके अभिभावक बहुत अच्छे उपदेश देते रहते हैं और उन्हें राम भरत एवं श्रवण कुमार देखना चाहते हैं, पर कभी यह नहीं सोचते कि क्या हमने अपनी वाणी एवं आकांक्षा को अपने में आवश्यक सुधार करके इस योग्य बना लिया कि इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ सके। हम जीवन में जितना अर्थक पलाप करते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं, यदि उतने समय में कुछ काम किया जाए तो उतने से एक नया हिमालय पहाड़ बन जाए। यदि इन शब्दों का उपयोग किसी को सानत बना देने भगवत पूजन प्रभु नाम स्मरण संगीत जय कीर्तन में करे तो हमारा और समाज का कितना भला हो सकता है। साथ ही हम वाचालता से उत्पन्न दोष जिनसे लड़ाई झगड़ा क्लेश ईर्ष्या द्वेष आदि का उदय होता है उससे बच जाए। विषय वासनाएं हाथ में पकड़ी हुई छड़ी की तरह हो नहीं कि हाथ खोल दीजिए वह स्वतः गिर जाएगी। यह जन्म जन्मांतर का कलुष है जो
मनोदर्पण पर संचित होकर स्थायी बन जाता है। इसे मल मल कर धोना पड़ेगा। जिस प्रकार मैल को मैल से साफ नहीं कर सकते, उसी प्रकार विषयों को वासना से नहीं धोया जा सकता। इनको धोने के लिए निर्मल भावना की आवश्यकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरु।